हेलो। हाँ बेटा रमाकांत, मैं कौन बोल रहा हूँ बेटा? तुम्हारा जूनियर है ना गंगाराम, उसका गंजेड़ी का बेटा। नहीं नहीं बेटा, समझ गए पापा। समझ के मतलब तूने क्या सबको गंजेड़ी बोल के रखा है? मैं गंजेड़ी का उतरू कहीं से? हाँ मैं गाना फूकता हूँ। 10 साल पहले तो फूकते थे। तुझे कौन ने बताया? तुझे कौन ने बताया? छेपा ने आंधो साले को आज। हाँ बेटा, खराब कर दी। तो मैं ये बोल रहा था बेटा कि अब तो इसकी 10th खत्म हो गई है, तो इसको सब्जेक्ट लेना है। कितने परसेंटेज आए हैं? थोड़ा ज्यादा बता। 98.6 आए हैं। मजाक नहीं, गांजा फूक के रखा मतलब? मैं तो मजाक कर रहा था बेटा, मेरी मजाक करने की आदत है। गांजा 10 साल मतलब मैंने कभी फूका ही नहीं था। वो बेटा अब इसके तो 67 आए घर, है ना? तो ये कॉमर्स प्लस मैथ्स लेने का बोल रहा है। मैथ्स में कितने आए हैं? मैथ्स में 32 आए हैं बस। हाँ 35 आए हैं, 100 में से आए हैं ना, तो 35। हाँ प्रैक्टिकल सिर्फ 3 मार्क। हाँ ना बेटा, इसने उसकी पैंट जला दी थी ना, उसको मना करा था इस बार कदम मत करना, मत करना स्कूल में। मानता नहीं है बात मेरी। ये फटाके भी तो फोड़ने थे स्कूल फोड़ने की जगह फटाके हैं। घर पे फोड़ने कहाँ देते हो, महंगे आते हैं। हाँ बेटा तुमको नहीं, इसको चिल्ला रहा था। तो एडमिशन मिल जाएगा, तलापारा मिलेगा, तलापारा मिल जाएगा। पीपल के नीचे पढ़ाते हैं, चलो पढ़ते हैं। पीपल के नीचे पढ़ाते हैं? नहीं, ये बोल रहा है कि अब टूटी फूटी बेंचें लग गई, नाले के पास बैठा के पढ़ाते हैं। अपनी कितनी रेपुटेशन, इंटर रेपुटेशन है। तुमने पूरे समाज को तो गंजड़ी गंजड़ी बोल के रखा है, कहाँ की रेपुटेशन बची हमारी? अब पहले तो फूकते थे साले वो चैंपा को। हाँ बेटा क्या फोरगॉट फोरगॉट क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि तुमसे कुछ नहीं पाया, गांजा फूको एक जगह बैठकर। ये इज्जत बता के, ये इज्जत। सॉरी पापा, निकल यहां से, निकल जा। आन दो साले चापा को आज देखता हूं मैं। ऐसा प्रतीत होता है यहाँ कोई की सुटाई हो रही है। अभी तेरी भी होगी। आइए ना चापा जी, आइए बैठिए, आप ही का तो इंतजार था। आइए दे जरा, लाओ पानी वानी लाने के लिए। पापा ये बोतल चलेगी क्या? दौड़ेगी बेटा। गंजड़ी देखता हूँ मैं। मैंने गांजा बोला कैसे मेरे को? गंजड़ी तूने? मैंने कुछ नहीं बोला भाई साहब, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है, सही में बताता हूँ। फिर बेटा कुछ सोचा 10th के बाद? पापा मैं सोच रहा हूँ कि अभी 8th ले लेता हूँ और 12th के बाद मैं UPSC कोचिंग करके IAS का प्रिपरेशन करूंगा। सही है अंकल। तो उससे पूछा कोई ने? क्यों बोल रहा है जबरन? बेटा जो करना तो रोक कर यार, बस इस चैपा जैसा मत बन जाना यार, है ना? कुछ काम के नहीं है, दिन भर सारे बैठ के अनुपमा देख रहे हैं, उसका रिपीट देख रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। बेटा मुजरा मत करना इसके जैसा प्लीज यार। पहले तू भी तो बनाता था। वो बात की बात थी, है ना? चुपचाप झाड़ू लगा, हल्ला मत कर, समझे ना? ए चापा आ गया। नमस्ते। हाँ और बेटा कैसे हो? बेटा बस तू अगर अच्छे से पढ़ ले फिर हम लोग को विदेश ले जाना घुमाने। मैंने सुना वहां खूब सुंदर सुंदर लड़कियां। क्या बोला? मेरा मतलब है लकड़ियां, लकड़ियां बहुत सुंदर सुंदर लकड़ियां सागुन की। आय हाय हाय हाय। और बेटा कुछ सोचा क्या करना है अभी 10th के बाद? तेरे से मतलब? जब से आया हूँ तब से देखा 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 जा रहा हूँ। निकल तू यार, निकल। देख मैंने मुजरा करा, कितने लाइक्स मिले, जा देख। क्या तू भी लाइक कर जा। या मैं ये कह रहा था कि 800 वगैरह में कुछ नहीं रखा है, है ना? तुम तो बेटा PCM प्लस कंप्यूटर लो और बढ़िया इंजीनियर बनो और फिर मेरी तरह अनएम्प्लॉयड हो जाओ। अरे अंकल कहाँ साइंस देख नहीं रहे, इंजीनियर की क्या हालत हुई पड़ी यार। अच्छे का मान आर्ट्स लेने का है तो लेन दो ना यार। चैपेश्वर जी अपन कौन होते हैं बोलने वाले यार। हाँ हाँ लेकिन भाई साहब क्या करेगा यार आर्ट्स लेके? मुझे तो डर है कहीं अनुपमा जैसे गवाल ना बन जाए। नहीं बेटा मैं तुझे आर्ट्स नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने। ए चैपे क्या है बे? क्यों मेरे बेटे से फिजूल में कुछ भी बोल रहा है? उसको जो करना वो करेगा ना साले सिंगरी में रहने वाले सुअर जैसी शक्ल के। हाँ तू होता कौन है बे? निकल यहाँ से। आप भाई साहब तो कोई तरीका है घर से भगाने का? मैं नहीं जाऊंगा। चल चल और निकल। तू कौन है? अभी तूने मेरे को भगाया था। चल चल निकल यहाँ से। तुझे तो टिकटॉक बंद कर।
चल मैं चलाता हूँ, निकल तेरे से समझना नहीं करता। और बेटा अब तो हो गई तुम्हारी। हाँ पापा, तो कब की हुई, चले जा बाथरूम खाली पड़ा हुआ है। अबे गुड्डू पंडित, मैं बेटा 10th की बात कर रहा हूँ, 10th क्लास की। अच्छा आप उसकी बात कर रहे थे। हाँ यार पापा वो तो हो गई है। पापा मैं क्या सोच रहा हूँ कि कॉमर्स लेके बैंकिंग की लाइन में जाऊं और बैंक मैनेजर बनूं, कैसा रहेगा। बेटा ये कॉमर्स वॉमर्स में कुछ नहीं रखा है यार। तूने क्यों ले लिया गोरिल्ले? तू चुप कर भैंसे, अनएम्प्लॉयड इंजीनियर। ए भाई कुछ भी बोलने का, ये नहीं बोलने का, इट हर्ट्स। पहले हर्ट्स होता है वो, बोलना तो सीख ले यार। चल चल। लेकिन आपने उनके सवाल का जवाब कहाँ दिया। अच्छा बेटा अब तू इतना बड़ा हो गया है कि तू मेरे से मुंह चलाएगा। हाँ अरे पापा मुझे क्यों मार रहे हो, उनको जवाब दो ना। अरे मैं 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स ले आया हूँ, तो जो मैथ्स लेना है बायो लेना वो तू देख ले, है ना, और जल्दी बताना मेरे को कॉमर्स लेके बैंकर बनेंगे। होता है जो वो होता नहीं, जिंदगी है झंड मेरी फिर भी घमंड नहीं।